इस मूवी में एक औरत एक रोबोट के साथ ही गचागच कर रही है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है ना, पर इस मूवी में यही होने वाला है। तो देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, एंड अगर आप लोग नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर को एक स्टोरी सुना रही होती है जो कि एक बेड टाइम स्टोरी होती है। हम लोग देखते हैं कि कहानी स्टार्ट होती है और हम लोग देखते हैं एक ऐसी औरत की स्टोरी जो कि घर घर जाकर कुछ सामान बेचा करती थी। वो बेसिकली एक सेल्स मैनेजर थी और घर घर जाकर सामान बेचा करती थी। हम लोग देखते हैं वो एक घर से सामान बेच कर आ रही होती है और उसे अपने शीशे में एक अजीब सा घर दिखाई देता है जो क्रीपी घर था। हम लोग देखते हैं कि वो औरत अपनी गाड़ी को मोड़ती है और उस घर की तरफ जाती है। हम देखते हैं कि वो उस घर के अंदर घुसती है और उसको वो जो क्रीपी सा घर होता है बहुत ही पसंद आता है क्योंकि उसके अंदर जो गार्डनिंग की टेक्निक थी वो बहुत ही अच्छे से की गई थी। हम लोग देखते हैं वो घर के अंदर जाती है और वो उस घर के अंदर कुछ मशीन्स को देखती है। हम देखते हैं कि उसे कुछ आवाज़ आती है, तो वो जैसे उस आवाज़ को फॉलो करती है तो उसे एक आदमी दिखता है अंधेरे में बैठा हुआ। अब वो जैसे ही उस अंधेरे की तरफ जाती है तो वहाँ से एक अजीब सा आदमी निकलता है। वो बेसिकली एक आदमी नहीं था, वो एक रोबोट था जो कि हमें आगे पता पड़ने वाला है। हम लोग देखते हैं कि उसके जो हाथ थे वो कुछ अजीब थे और कैंची की तरह के थे। पहले तो वो लेडी उस रोबोट से डर जाती है, पर बाद में वो देखती है कि जो ये रोबोट है ये खुद डरा हुआ है। हम देखते हैं कि वो उस रोबोट के ऊपर कुछ निशान थे, तो वो निशान को अपनी कॉटन बर्ड से साफ करते हैं और देखते हैं कि किसको तो चोट लगी पड़ी है। अब उस लेडी को उस रोबोट के लिए हमदर्दी आ जाती है। हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट भी उस लेडी को देखते हुए रोने लगता है और वो लेडी उसके फेस पे जो मार्क्स थे उनको भी साफ करने लगती है। हमें पता पड़ता है कि ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे। वैसे वो रोबोट यहाँ पर उस लेडी को अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम एडवर्ड है और मैं इस पूरी हवेली में अकेला ही रहता हूँ। इस पूरी हवेली में मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है और मुझे ही पता है कि मैं अपने दिन कैसे कैसे बिताता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? तो वो लेडी भी उसे हमदर्दी आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पर एडवर्ड भी बहुत खुश था क्योंकि वो पहली बार अपने घर से बाहर निकला था। अब फाइनली वो लेडी एडवर्ड को अपने घर पर लेकर आ जाती है और उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए देती है, पर एडवर्ड के हाथ कुछ अजीब थे तो उन कपड़ों को पहन नहीं पाता, तो वो लेडी खुद ही एडवर्ड को वो कपड़े पहनाती। हम देखते हैं कि जो एडवर्ड था वो अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो लेडी उसे खाना खाने के लिए देती है और उसे अपनी फैमिली के से मिलवाती है। हम लोग देखते हैं कि जो एडवर्ड था वो इस खाने को नहीं खा पा रहा था क्योंकि बेसिकली वो एक रोबोट था और ह्यूमन फूड नहीं खा सकता था, पर फिर भी वो ट्राई करता है और उस फूड को खा लेता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि उस लेडी का जो हस्बैंड होता है अपनी गार्डनिंग कर रहा होता है, तो एडवर्ड उसे देख रहा होता है और एक कैंची उठाकर अपने हाथ में से उस गार्डन को बहुत ही सुंदर बना देता है अलग अलग डिजाइन में, जिसे देखकर उस लेडी का जो हस्बैंड होता है वो उसे बहुत पसंद आता है। तो हम देखते हैं कि एडवर्ड उस पूरी फैमिली का डिजाइन भी बना देता है एक पेड़ के रूप में। तो हम लोग देखते हैं इन सभी लोगों को ये सब चीजें पसंद आती है। अब क्योंकि एडवर्ड की एबिलिटीज का पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पिट चुका था, तो पूरे मोहल्ले की औरतें उनके घर पे आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या आप एडवर्ड को हमारे गार्डन में भेजोगे ये डिजाइन बनाने के लिए? तो यहाँ पर वो लेडी भी मान जाती है और एडवर्ड को उन सभी लेडीज के घर पे भेज देती है साथ ही साथ डिनर करने के लिए और उनके ग्राउंड को अच्छा बनाने के लिए। हे गाइस, वेट वेट वेट, मैं आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है जहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर एनिमेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि आप लोगों को कौन सा नेम पसंद है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अपने दूसरे चैनल पर दूंगा। इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि एडवर्ड खाना काट रहा होता है, तो हम देखते हैं कि जो वो लेडी होती है एक गोल गोल चीज कुछ काट रही होती है, जिसे देखकर अब टाइम फ्लैशबैक में पीछे चला जाता है जहाँ हमें पता पड़ता है कि एडवर्ड का जो था वो कैसे कैसे बना था। हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक साइंटिस्ट को जो कि उसी हवेली में था जिसमें एडवर्ड रहता था, और वो कुछ खाना बना रही थी उसकी मशीनें ऑटोमेटिकली। हम लोग देखते हैं कि वो साइंटिस्ट एक दिल के आकार को एक रोबोट पे लगाता है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि वो एडवर्ड ही है, जो आधा अधूरा रोबोट उस साइंटिस्ट ने बनाया था वो एडवर्ड ही है। हम पता पड़ता है कि उस साइंटिस्ट ने एडवर्ड को एक किसी किताब में से देखकर बनाया था, जिसके थ्रू जो एडवर्ड था वो अभी आधा अधूरा ही रह गया था। वो साइंटिस्ट उसके हाथ लगाना भूल गया था, तो वहां पर जो कैंची पड़ी थी तो वो साइंटिस्ट उन कैंचियों को ही एडवर्ड के हाथ में लगा देता, जिससे कि जो एडवर्ड था वो आधा अधूरा बन जाता। हमें यहाँ पर पता पड़ता है कि उस साइंटिस्ट ने एडवर्ड के अंदर ह्यूमन फीलिंग्स भी डाली थी। अब हम लोग फिर से जो सीन है वो प्रेजेंट में आता है। हम लोग देखते हैं इन लोगों के घर में एक पार्टी चल रही है, इनका पूरा मोहल्ला यहाँ पर उसी लेडी के घर में आया हुआ है। ये सभी लोगों को जो एडवर्ड था वो कुछ अजीब लगता था, पर ये लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे। मोहल्ले वालों को एडवर्ड के टैलेंट में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी,
एक दिन हम लोग देखते हैं कि एडवर्ड अपने रूम में सो रहा होता है। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि उस लेडी की एक बेटी भी थी जो कि बाहर कुछ वैकेशन मनाने के लिए गई होती। अब जैसे वो वापस आते तो हमें पता पड़ता है कि उसे अभी भी तक एडवर्ड के बारे में नहीं पता था। वो लड़की घर पे आ जाती है और अपने रूम में अपने कपड़े चेंज ही कर रही होती है, तभी यहाँ पर उसे अपने रूम के मिरर में एडवर्ड दिखता है, जिसे देखकर वो चिल्ला जाती है क्योंकि एडवर्ड जो था कुछ क्रीपी सा था, अजीब सा था। वो लड़की बाहर उठ के भाग जाती है और उसकी जो फैमिली होती है वो बताती है कि ये एडवर्ड है और ये एक रोबोट है और ये हमारे घर में ही अब रहेगा। जैसे जैसे इन लोगों की इनके घर में इंट्रोडक्शन होती जाती है तो इनका जो रिलेशनशिप बॉन्ड होता है वो भी अच्छा होता जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो एडवर्ड था वो अपने पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश रखता था, उनके गार्डन को संवारता रहता था। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि एडवर्ड एक गार्डन में काम कर रहा होता है, वहीं पे एक डॉग आता है तो एडवर्ड उस डॉग का जो फर था उसे भी काट देता है, उसे भी अच्छे डिजाइन में बदल देता है, जिसे देखकर उस डॉग की जो मालकिन थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और पूरे मोहल्ले में एडवर्ड के इस टैलेंट का ढिंढोरा पिटवा देती है। तो इसे इस बात को लेकर जितने मोहल्ले वाले लोग होते हैं अपने सभी कुत्तों को लेकर एडवर्ड के पास आते हैं और उनको सजा देते हैं। एडवर्ड उन सभी के बाल काट देता है और उन सभी को सजा देता है। अब क्योंकि एडवर्ड का ये एक नया टैलेंट आ गया था तो लोगों को लगता था कि जो एडवर्ड है वो हमारे बाल भी काट सकता है, तो इसे देखकर मोहल्ले की सभी औरतें एडवर्ड से ही अपने बाल फ्री में कटवाने लगी थी। एडवर्ड बालों को इतनी अच्छी तरह से काटता था, इतने अच्छे डिजाइन में काटता था कि ये अब पूरी दुनिया में फेमस हो गया था एडवर्ड। लोग देखते कि वो लेडी जो एडवर्ड को अपने घर पे लाई थी, यहाँ तक कि वो भी एडवर्ड से अपने बाल फ्री में कटवाती है। अब यहाँ पर हम देखते कि एडवर्ड बहुत ज़्यादा दुनिया में फेमस हो गया था तो उसे अलग अलग शोज में बुलाया जाता था। हम लोग देखते हैं उसके टैलेंट को लोग शोकेस करते थे और एडवर्ड को एक अच्छा खासा फेम मिल गया था, तो लोग उससे कहते हैं कि तुम अपना एक सैलून क्यों नहीं खोल लेते। तो ये लोग पैसों के लिए बैंक में जाते हैं पर बैंक इन्हें पैसे नहीं देता क्योंकि जो एडवर्ड था वो था तो एंड में एक रोबोट ही, तो बैंक उसे पैसे नहीं देता और ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं निराश होकर। एडवर्ड के दिमाग में एक चीज चल रही थी कि वो जो था एडवर्ड उसे उस लेडी की बेटी से अब प्यार होने लगा था और उन दोनों का जो बॉन्ड था वो अच्छा होता जा रहा था, ये दोनों प्यार में फंस गए थे। अब हम लोग देखते हैं उस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो कि झगड़ रहे थे। दोस्तों ये है मूवी का फर्स्ट पार्ट और यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना है तो अगले दिन मैं इस मूवी का सेकंड पार्ट अपने चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब मैं इसका सेकंड पार्ट डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।